अलैकुम, मैं अफसर निसा। मेरे चैनल में आपका वेलकम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रॉन्स पुलाव। ये बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम प्रॉन्स लिया। इसे अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया है। ये 3 बड़े प्याज इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिए, कुछ कड़ी पत्ते, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 3 बड़े टमाटर इसे इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया, कुछ खड़े मसाले, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों को भी साथ में पीस लिया, तकरीबन 3 चम्मच हैं। यहाँ चूल्हे पर मैंने पतीला रखा, इसमें तेल डाला। तेल गर्म होने के बाद मैंने जीरे को डाला। जीरा तड़कने के बाद मैंने खड़े मसालों को भी इसमें डाल दिया। खड़े मसालों में 2 से 3 तारा फूल, कुछ काली मिर्च, 3 से 4 हरी इलायची, 2 बड़ी काली इलायची, दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 तेज़ पत्ते। सारी चीज़ें तड़कने के बाद मैंने इसे कड़ी पत्ता डाला। उसके बाद मैंने प्याज को डाल दिया इसमें और फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए हमें पका लेना है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। यहाँ मैंने प्रॉन्स पुलाव में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि प्रॉन्स में फैट नहीं होता। आप देख सकते हैं प्याज का कलर किस तरह चेंज हुआ है। बस इस स्टेज पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हाई फ्लेम पर भून लेना है। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुना चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है। अब स्टेज पर हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, जो 2 बड़ा चम्मच है, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। इसमें मैंने बहुत मामूली सा पानी डाला है ताकि हमारे पाउडर मसाले जले नहीं। इसे भुनने के बाद मैंने इसमें टमाटर को ऐड कर दिया। टमाटरों की बीजों को मैंने निकाल दिया है। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया ताकि टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर दे जल्दी से और हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब स्टेज पर हमने प्रॉन्स को इसमें ऐड कर देना है। फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये कोकोनट मिल्क है, इसे मैंने घर में ही निकाला है। ये मार्केट में इसीलिए अवेलेबल है। मैं सी फूड में दही का इस्तेमाल नहीं करती। कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद फिर से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पकने देना है। अब स्टेज पर हमने इसमें ये हरी मिर्चें हैं, ये तीखी नहीं होती, इनका बस जायका होता है। ये मैंने 3 से 4 लिया, उसे इस तरह से कट कर लिया। कुछ धनिया की पत्तियाँ हैं, मटर, हरे मटर और 2 बड़े आलू, इसे इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर लिया। इन सारी चीज़ों को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें 1 नींबू का रस मैं हाथों से निचोड़ कर डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने पकने के लिए रख दिया। आप यह देख सकते हैं ऑयल किस तरह से सेपरेट हो चुका है।
और हमारे मसाले भुना चुके हैं। सारे मसाले भुनाने के बाद इसमें मैं चावलों को ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने कोलम राइस का इस्तेमाल किया जो वज़न में तकरीबन हाफ के जी है। इसे अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से वॉश करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया। फिर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। माशाल्लाह जब मैंने बनाया था तो मेरे घर में सभी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये भुना हुआ ज़ीरा है, ये काली मिर्च का पाउडर है, दोनों एक एक छोटे चम्मच डालने के बाद फिर से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें पानी ऐड कर देना है। पुलाव में पानी चावलों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना पानी ऐड किया। इस स्टेज पर फिर से नमक को चेक करके इसमें नमक ऐड कर दीजिए आप आपके जायके के मुताबिक। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉन्स पुलाव बनकर तैयार होता है और इसका जायका बहुत ही लजीज है। आप ज़रूर इसे बनाइए, अपने घर में ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपके भी घर में सभी को पसंद आएगी। यहाँ देख सकते हैं आप पानी तकरीबन 70% सूख चुका है। मैंने कुछ धनिया के पत्ते इसमें स्प्रिंकल कर दिए और फिर इसे दम पर रख दिया। आप इसे फॉइल पेपर लगाकर भी दम पर रख सकते हैं। मैं इसे इस तरह से रखती हूँ एक मोटे तवे पर। ये देखिए 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर, उसके बाद दम आने तक हमें इसे पकने देना है। दम आने के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था, फ़ौरन नहीं खोला था। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इसे अब खोला है। माशाल्लाह यहाँ हमारा ज़बरदस्त प्रॉन्स पुलाव बनकर तैयार है। इसी तरह की जायकेदार लजीज रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ मैंने प्रॉन्स पुलाव के साथ खाने के लिए प्याज और टमाटर का सैलेड रेडी किया है धनिया की पत्तियों के साथ।